आज एक तरफ से बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेमोरेंडम सेटलमेंट दिमाहलम डाउगा दो ब्रदर्स डीएसटी जे डीएसटी और गवर्नमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों का बीच में सेटलमेंट होने का बाद आफ्टर लॉन्ग 12 इयर्स आज मेरा अपना जो डीएसटी चेयरमैन रहा करता था उसका केस डिसमिस हो गया खलास हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ असम और जो लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी फोर्सेस है जो हम लोग का पॉजिटिव जो सुचिंतक है उन लोग को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ इसी का दौरान मेरे तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ असम और जो कमीशन है सबको मेरा तरफ से विनती है बहुत बहुत दिमाहलम डाउगा का कैडर्स और डीएसटी जे का भी है और साथ साथ हम लोग का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और जो पब्लिक हमारे लिए जो अरेस्टेड हुआ था ड्यूरिंग द डिमाराजी बम में तो इसलिए वो सभी जो सुचिंतक जो पीआरओस सिविल वर्कर्स वेल विशर्स सारा पब्लिक और फॉर्मर डीएसटी का जितना भी ऑफिसर्स और जो सिंपिटाइजर उन लोग का केस भी डिसमिस होना चाहिए। ये हम लोग का आज का खुशी का मौके में मैं एज ए चेयरमैन एज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ दिमा हलम डाउगा पीपुल सुप्रीम काउंसिल ऑफ दिमाराजी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स देने का साथ साथ मेरा अपील भी ये है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ अफेयर्स यूनियन लॉ अफेयर्स का तरफ से जल्दी करना चाहिए। और आज का ये प्रेस मीट का यही मेन पॉइंट है ये 11 साल का बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉजिटिव चिंता करने वाले जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिमाहसाओ ऑटोनोमस काउंसिल उन सब लीडर जो हम लोग ने प्रोमिस किया था जो हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में टू ब्रदर्स ऑफ डीएसटी और चार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसाम से जो एग्रीमेंट हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बजट पास करना है एक मीटिंग पास करना है और हाउ टू रिहेबिलेट द फॉर्मर डीएसटी कैडर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सामने हमारा विनती है। और साथ साथ हम लोग का ये भी विनती है एमओएस में दिमाहलम डाउगा का प्रपोजल से अप्रूव हुआ है और 14 एनेक्शन नंबर 1 में 44 रास्ता है दिमाहसाओ का इसी रास्ता को कंप्लीट करने के लिए 21,000 करोड़ चाहिए 2,100 करोड़ जो कंसल्टेंट का जो अप्रूव है उन लोग का जो विचार है उन लोग तरफ से इसी में लिखा हुआ है कि सबको इन लेटर एंड स्पीच इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और साथ ही इसमें मेन पॉइंट ये है और उसमें गवर्नमेंट पब्लिक का चिंता के लिए जो एसएस रोड जो है वो जल्दी हाईवे से जो यहाँ में एनरोल्ड है इंक्लूडेड है उसको जल्दी करना है। ड्यूमरा से 28 किलोमीटर दूरी मंडरडीसा है बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है वो कंप्लीट करना है। थैजुवारी से हाटिकली थैजुवारी से थैपलुंगीसा जो यहाँ में इंक्लूडेड है माइलू हफलाई से द्रांगबरा ऐसे करके इंटरेस्टेड जो इम्पोर्टेंट रास्ते यहाँ में अप्रूव है इसको सेल्फ गवर्नमेंट लेड बाय देवलाल गवर्नमेंट से इसको प्रोजेक्ट एक कंसल्टेंट अप्रूव करके इसको जल्दी से जल्दी करने से नॉट ओनली फॉर डिमासास बट फॉर ऑल और फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और अभी गवर्नमेंट ऑफ असम ने टूरिज्म में इंटरेस्ट दिया है और दिमाहसाओ को बोला है कि चलिए सेकेंड स्विट्जरलैंड अगर सेकेंड स्विट्जरलैंड बनना चाहता है दिमाहसाओ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और होने के लिए ही डीएसटी का ये एग्रीमेंट में एमओएस में है तो ये बात है। और साथ साथ जो यहाँ में एग्रीमेंट में है सोलर पावर प्रोजेक्ट 978 करोड़ का प्रोजेक्ट जो हमने दिया था अभी अप्रूव हो गया मोर देन 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ असम एनसिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के बीच में एमओएस हुआ सेलर और बायर दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ उसका 3.35 से बाई करेगा असम गवर्नमेंट इसको जल्दी टेंडर करना है तो गवर्नमेंट दिमाहसाओ का अर्निंग सोर्स आएगा। और साथ साथ उसी एग्रीमेंट में
दिमाग ऑटोनोमस काउंसिल का एक एग्रीमेंट में भूल है। क्या भूल है? वहाँ में लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट इज एमओएस प्रोजेक्ट साइन इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ आसाम इंडिया एंड कंसर्न कमेटी लिखा हुआ है। हु इज द कंसर्न कमेटी? डीएसटी जो और जे और दी एनएसएनआईएम और समबडी एल्स। तो उसको तो मेंशन करना चाहिए। यूपीडीएस का अगर डायरेक्ट मेंशन करता तो व्हाई नॉट डीएसटी एंड डीजे? इसको शर्म में आना चाहिए हम लोग का लीडरशिप। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर नंदिता जी से भी मैं अपील किया दिस शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली। अगर ये नहीं करेगा तो फ्यूचर में कौन किसका साथ में एमओ साइन होगा, क्या मालूम होगा, कौन मालूम होगा? ये इसको विनती किया। और हम लोग ने मेन इम्पोर्टेंट गटर हाफलॉन्ग वाटर सप्लाई के लिए यहाँ में लिखा हुआ है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पेपर पास हुआ, दिल्ली पहुँच गया, बट दिल्ली वॉन्ट्स डायरेक्ट डीपीआर। तो ये दिमाहला से ये प्रोजेक्ट बनाया 778 करोड़ का प्रोजेक्ट, बट ये टू प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट पेपर एंड द डीपीआर। तो ये सब अच्छा प्रोजेक्ट। और जो साथ साथ हमारा ये एमओएस का प्रोजेक्ट जो 78 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आया था, पानी मोर का टूरिज्म, सोमपीजान का इंडोर स्टेडियम, यहाँ का दिलोबरा सांगबरा एथनिक कल्चर एंड रिसर्च सेंटर जो ऑटो स्टैंड में बनाया, और जहांगीर का दिलांग आर्दा का जो स्किल डेवलपमेंट, वो सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ में जो दिबाराय में सुनाराम थाउसेंड मीडिया सेंटर जो इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट स्टेटमैन अ पॉलिटिशियन सोशल वर्कर हिस्टोरियन सोशल रिफॉर्मर, वो सुनाराम थाउसेंड का नाम से हम लोग ने दिया। और हाफलॉन्ग में अभी तक कोई मीडिया का सेंटर नहीं है जो हम लोग ने जो पहले दिया था, अभी हुआ होगा। लेकिन इसको कंप्लीट करने से 8 करोड़ का सेंक्शन हुआ, 4 करोड़ का विड्रॉ हो गया, अभी 4 करोड़ बाकी है। उसका कौन सा कॉन्ट्रेक्टर बाकी है, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर एवरी ऑल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज़